मुद मंगल में संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी ब्रह्मचारी उमेंद्र जी ने गुरुदेव जी द्वारा रचित भजन सुनाया। उसमें सारी बातें आ चुकी है। हम केवल इस एक पद पर मनन चिंतन करके आचरण कर लें तो और बहुत कुछ कहने सुनने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है, यहां बैठे हुए अनेक लोगों को साखी याद होगी, हजारों बार आपने सुनी होगी साखी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बहुत सरल साखी, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सद्गुरु कबीर की ये विशेषता रही है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। एक एक साखी उनकी महत्वपूर्ण है। गुजरात में बड़ोदरा और अहमदाबाद के बीच एक आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, एक जगह है नड़ियाद, वहाँ एक अच्छे तपस्वी संत महापुरुष हुए हैं, संत राम जी महाराज, जिनका मंदिर आज पूरे गुजरात और गुजरात के बाहर प्रसिद्ध है। उस संत राम महाराज जी ने कहा है सद्गुरु कबीर के बारे में, आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करी जान, संत राम जग झूठ है सार शब्द पहचान। संत राम जी महाराज कहते हैं कि कबीर की आधी साखी मतलब एक पंक्ति करोड़ों ग्रंथ के बराबर है। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, इस पंक्ति में सद्गुरु कबीर विश्व के उस नियम को बताते हैं जिस नियम को आज तक न कोई बदल सका है न आगे कोई बदल सकेगा। दूसरी पंक्ति में कहते हैं जाना तो है लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। एक वह व्यक्ति होता है जो सिंहासन पर बैठ करके जाता है और एक वह व्यक्ति होता है जो जंजीरों से बंध करके जाता है और उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। थोड़ी चर्चा इस साखी पर हम करें। राजा हो रंक हो फकीर हो, दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है उसे एक दिन यहां से अवश्य जाना पड़ेगा। साहब ने बात तो कही कि चाहे राजा का जन्म हो, चाहे रंक का जन्म हो, चाहे फकीर का जन्म हो, ये राजा रंग फकीर जन्म से कोई बनता नहीं है। अभी जो बच्चा जन्म लेकर के आया है गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा क्या करेगा। बड़े से बड़े ज्योतिषी
बड़े से बड़े भविष्यवक्ता गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि अभी जो बच्चा जन्म लेकर आया वो क्या बनेगा, क्या आगे चल करके क्या करेगा। वह बच्चा अपने साथ पूरे जन्म के कुछ संस्कार लेकर के आया है और वर्तमान में उसे जैसी संगति मिलेगी, जैसी शिक्षा मिलेगी और जिस दिशा में समर्पित भाव से वह मेहनत करेगा वैसे उसके जीवन का निर्माण होगा। पहली बात यह है कि आपके घर कोई एक नया बच्चा, बच्चा तो नया ही होता है, बच्चा जन्म लेकर के आता है तो जन्म लेकर के आने पर आप खुशी मनाते हो, आनंद मनाते हो, लेकिन आनंद मनाने के साथ साथ, खुशी मनाने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें अपने बच्चे को कैसे अच्छे संस्कार देना है। हर माँ बाप की चिंता होती है कि अपने अपनी संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए हम कितना सुंदर मकान बनाकर छोड़ दें, कितनी जमीन जायदाद इकट्ठे करके छोड़ दें, कैसा व्यापार और दुकान बना करके छोड़ दें। कभी आप सोचते हो कि जो एक नया जीव, एक नया बच्चा, नया मनुष्य जन्म लेकर के आया है, इसे हम कैसे अच्छे संस्कार दें। मेरा बच्चा, आप सोचते हैं, लोग सोचते हैं मेरा जो बेटा है आगे चल करके बड़ा विद्वान बने, बड़ा धनवान बने, बड़ा नेता बने, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा वकील बने। कभी आपने सोचा कि मेरा बेटा आगे चल कुछ और बने या ना बने, एक अच्छा इंसान बने, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, अच्छा लेक्चरर प्रोफेसर बनना, अच्छा वकील, अच्छा जज बन जाना, अच्छा कलेक्टर, अच्छा कमिश्नर बन जाना, अच्छा धनवान बन जाना और अच्छा नेता बन जाना सरल है, कठिन है अच्छा इंसान बनना। आज दुनिया में न डॉक्टरों की कमी है, न इंजीनियरों की कमी है, न वकीलों की कमी है, न जजों की कमी है, न कलेक्टर कमिश्नरों की कमी है, न लेक्चर प्रोफेसर की कमी है। कमी है तो अच्छे इंसान की, और जब इंसान, अच्छे इंसान की कमी होगी तो दुनिया में समस्याएं तो पैदा होगी ही होगी। लोग ये कहा करते हैं दुनिया की अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है अशिक्षा। शिक्षा जितनी बढ़ेगी समस्याएं उतनी घटती चली जाएगी। अशिक्षा सारे समस्याओं की जड़ है, सारे समस्याओं की जननी है। हो सकता है लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ आप संस्कार दे रहे हो। मैं अशिक्षा का समर्थक नहीं हूं। हर आदमी को पढ़ लिख करके शिक्षित होना चाहिए, लेकिन यह सोचना, और जैसा कि आज हमारे राष्ट्र के कर्णधार लोग सोच रहे हैं कि जब अशिक्षा समाप्त हो जाएगी तो समस्याएं खत्म हो जाएगी, मेरा एक निवेदन है, मेरा एक प्रश्न है आपको, ये जितने घूस लेने वाले हैं वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? ये घूसखोरी की जो समस्या आई है अनपढ़ों की देन है या शिक्षितों की देन है?
ये जितनी कालाबाजारी है, ये जितनी मुक्तखोरी है, जितनी मिलावटबाजी है, ये अनपढ़ों की देन है या शिक्षितों की देन है? ये जितने आतंकवाद की समस्या है, ये आतंकवादी अनपढ़ है या शिक्षित लोग हैं? ऐसे आप और ले लीजिए, हमारे भारत देश में सर्वाधिक शिक्षित प्रदेश है केरल, दक्षिण में है, समुद्र किनारे, आप जानते हैं। जितनी शिक्षा का प्रतिशत वहां है, भारत के किसी भी प्रदेश में उतनी शिक्षा नहीं, उतने प्रतिशत लोग शिक्षित नहीं है। लेकिन भारत में सर्वाधिक तलाक केरल में होता है। जितना तलाक केरल में होता है, उतना तलाक भारत में कहीं भी नहीं होता। यदि शिक्षा से समस्या घट जाती तो केरल में तलाक की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों होती? शिक्षित करें लेकिन साथ साथ संस्कारी बनाएं, और संस्कार की सीख विद्यालय में नहीं मिलेगी, संस्कार की सीख मिलेगी आपके घर में। हर बच्चे का पहला गुरु होता है उसकी माँ। माँ की गोद से ही बच्चा सीखना शुरू करता है, भले वो बोल नहीं पाता लेकिन देख तो रहा है, सुन तो रहा है, समझ तो रहा है। माँ के की क्रिया का, माँ के चेहरे की भाव भंगिमा का, माँ के, माँ गुस्सा से बोलती है, प्रेम से बोलती है, मुस्कुरा करके बोलती है, ये सब बच्चा देख रहा है और वहीं से सीख रहा है। फिर माँ के बाद गुरु होता है पिता और परिवार के लोग। आपका घर बच्चे की पहली पाठशाला। घर का वातावरण कैसा है? घर के लोग परस्पर झूठ बोल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। बच्चे को शिक्षा कहां से मिली, संस्कार कहां से मिलेगा? और जो संस्कार है, अच्छे संस्कार, यही आगे चलकर बनेगा सिंहासन। और जो गलत संस्कार घर से मिल रहे हैं बच्चे को, वो संस्कार, गलत संस्कार जब आगे बढ़ जाएगा तो वही गलत संस्कार बन जाएगा उसके लिए जंजीर। साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको जाना है। प्रकृति में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रकृति बेजान है। और जो बेजान चीज होती है उसमें न दया होती है, न क्षमा होती है, न क्रोध होता है, न प्रेम होता है। वह तो जो जैसा करता है उसको वैसा फल तत्काल दे देती है प्रकृति। इसलिए प्रकृति के नियमों को समझने की आवश्यकता है। आदमी जो अपना नियम बनाता है, समय से उन नियमों को वह परिवर्तित कर देता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। उसके पश्चात यहां संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 72 साल हो रहे हैं संविधान लागू किए लगभग। कितने संविधान की कितनी धाराओं को अमेंडमेंट्स कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, बदल दिया गया है। क्योंकि नियमों को हम बनाते हैं, संविधान को हम बनाते हैं, लेकिन प्रकृति के संविधान को हम नहीं बनाते। और प्रकृति के संविधान को जब हम लिखने का काम करते हैं, दुनिया में समस्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो प्रकृति का नियम है, उस नियम को समझना है।
आग का नियम है जलाना। एक नादान बच्चा आग में हाथ डालेगा, आग नहीं सोचेगी कि नादान बच्चा है, ना समझ है, इसे नहीं जलाऊंगी। उतका में जलाना, चाहे नादान बच्चा आग में हाथ डाले, चाहे जवान आग में हाथ डाले, चाहे बूढ़ा आग में हाथ डाले, और चाहे एक गृहस्थ व्यक्ति आग में हाथ डाले, चाहे एक बड़ा से बड़ा महात्मा कहलाने वाला आग में हाथ डाले, आग जलाएगी। आग सबके लिए गर्म होती है, आग कभी किसी के लिए ठंडी होती हो किसी के लिए गर्म होती है ऐसा नहीं है। उसमें से ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसे समझना है। तो नियम, प्रकृति का नियम है, जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी जरूर। इसलिए ये जीवन जो मिला हुआ है, इस जीवन को हम कितने सुंदर ढंग से जिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। थोड़ी सी बात और, प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति में कारण कार्य की जो एक व्यवस्था है, उस नियम में और व्यवस्था में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। और धर्म के नाम पर खूब चमत्कार, खूब चमत्कार करते हैं, महात्माओं के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, इतने दिन चमत्कार है कि क्या कहा जाए। और चमत्कार का अर्थ है केवल झूठ और छल कपट। जितने भी चमत्कार हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के साधन हैं। इसलिए आप कभी भी चमत्कार के पीछे दीवाने न बने, क्योंकि चमत्कार होता नहीं, हर चमत्कार के पीछे कोई ना कोई छल कपट है, या रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण है, या कुछ और है। चमत्कार के पीछे दौड़ना बंद, चमत्कार के पीछे दौड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर ठगाते रहेंगे। न तो चमत्कार के पीछे दौड़े, न तो भ्रम के पीछे दौड़े, और न ही किसी ये ओझा बैगा ज्योतिष तांत्रिक के पीछे दौड़े। अनेक प्रकार के भ्रम दुनिया में चल रहे हैं। अब यहां जितने लोग बैठे हो, इधर देवियां बैठी है इनकी संख्या ज्यादा है, इधर देवताओं बैठे हैं देवता की संख्या कम, देवता बिखरे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, कभी आपने गुस्सा किया होगा, कभी आपने किसी को गाली दी होगी, कभी आपने लड़ाई झगड़ा किया होगा, कभी आपने मारपीट किया होगा, और अनेक बार इस गुस्सा करने, गाली देने, मारपीट करने के परिणाम में आपको बाद में पश्चाताप करना होगा, स्वयं आपको मार पड़ गई होगी। कभी आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास गए हो, ज्योतिषी जी से देखिए तो वो शुभ मुहूर्त बनाइए कि गुस्सा करूं तो बढ़िया फल मिले, मुझे मिले। ज्योतिषी जी ये बताइए कि किस मुहूर्त में मुझे मारपीट करना है ताकि मेरी विजय हो जाए। सारे जितने भी गलत काम हैं उसके लिए आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाओगे, उसके लिए पूजा पाठ नहीं करोगे, लेकिन घर बनवाना है, शादी करना है, घर का उद्घाटन करना है, बच्चे का नाम संस्करण करना है, अब पता नहीं क्या काम, चले गए किसी पुरोहित के पास, चले गए किसी ज्योतिषी के पास लगन सुधवाने के लिए, मुहूर्त सुधवाने के लिए, और जाओगे तो ठगाओगे जरूर। आप अपने मन में शुद्ध भावना रखिए और सही काम करिए, जिस काम में आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो,
किसी ज्योतिषी, किसी साधु बाबा, किसी तांत्रिक, किसी पुरोहित पंडित से लगन करने धर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समय शुभ मुहूर्त है, बस भावना पवित्र हो, काम पवित्र हो। और यदि भावना पवित्र नहीं है, काम पवित्र नहीं है, तो हर समय मुहूर्त गलत ही है। लेकिन आपके मन में अंधविश्वास है, भ्रम पड़ा हुआ है, और जितना भी भ्रम है आपको कमजोर कर लेगा। और ऐसे ऐसे भ्रम, ऐसे ऐसे अंधविश्वास की क्या कहा जाए। 6-7 साल पहले की बात है, ये बात यहां भी लागू होती होगी, क्योंकि हर जगह आदमी के मन में वही कमजोरी है। 6-7 साल पहले की बात है, मैं जयपुर में कार्यक्रम में था। ऐसे शाम का समय था, सत्संग के पश्चात एक नए बने मकान के छत पर घूम रहा था। बिल्कुल नया बना था, 3 तल्ले का बहुत बढ़िया मकान। मकान बनाने वाले ने काफी खर्च किया हो रहा हो उसमें, गिर प्रवेश नहीं हुआ था। घूमते घूमते मैंने देखा कि मकान के ऊपरी हिस्से छत पर स्कूटर का एक पुराना टायर रस्सी से बांध करके लटका दिया गया था। मैंने लोगों से पूछा, इतना सुंदर मकान, इतना लाखों करोड़ों का खर्च किया गया है, और उसके ऊपर पर रस्सी से बांधकर पुराना टायर लटकाया गया। अरे नया टायर लटका देते क्या फर्क पड़ता, लेकिन पुराना टायर लटकाया गया, क्यों लटकाया गया? तो लोगों ने कहा, महाराज जी आपको पता नहीं है? कभी पता होता तो पूछता ही क्यों। एक टायर इसलिए लटकाया गया है, पुराना टायर, कि मकान को किसी की नजर ना लगने पाए। मैं कहा, अच्छा, मकान को भी नजर लग जाती है। मैंने कहा, यदि स्कूटर का टायर लटकाने से नजर नहीं लगती तो आप लोगों को भी बता रहा हूं, सबके सब अपने अपने गले में स्कूटर पुराना टायर लटका दो, मौत की नजर नहीं लगेगी, आप लोग मौत से बच जाओ। बड़ा सुंदर तरीका है मौत से बचने का, सबकी नजर लगेगी, मौत की नजर आपको नहीं लगेगी। बढ़िया मकान बनाते हैं लोग, करोड़ों खर्च करते हैं, बढ़िया सीमेंट बनाए लगाए, बढ़िया लोहा लगाए, बढ़िया बालू लगाए, बढ़िया इंजीनियर से बनाए बनवाए, बढ़िया मिस्त्री बनाए, सब चीज बढ़िया बनाए। बनाने के पश्चात ऊपरी हिस्से पर या सामने दरवाजे पर एक काली हंडी उल्टा करके लटका देते हैं लोग, मकान को नजर न लगे। बंधुओं, उस काली हंडी को मकान से उतार कर सिर पर लटका लो, हेलमेट का भी काम करेगा, ठंडी गर्मी से बचाएगी, वो मौत की नजर भी नहीं लगेगी आपको। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं क्या क्या है, दिमाग सड़ा हुआ है लोगों का। हर चीज आधुनिक चाहिए, दिमाग सड़ा हुआ चाहिए। क्या कहा जाए, जो आदमी इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा है, एक और पूजा करते हो, कहते हो हमारा भगवान सबसे बड़ा है, तुम्हारे अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, उस काली हंडी पर विश्वास है। लोग बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। चलो पैसा खरीद लो, उस गाड़ी का जो इंजन है उस इंजन पर विश्वास नहीं है। गाड़ी की जो टेक्निक, जिस टेक्नोलॉजी से उस गाड़ी को बनाया गया है, उस टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं है। जिन इंजीनियरों ने, जिन कारीगरों ने बड़ी मेहनत करके उस गाड़ी को बनाया है, उनकी मेहनत पर विश्वास नहीं है। विश्वास है एक छोटी सी लाल चुनरी पर, स्टेरिंग में बांध दिए, अब चाहे आग मुड़कर चलाओ, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। चले आज हाईवे है आपके पास, स्टेरिंग पर लाल चुनरी बांधो और आंख मुड़कर गाड़ी हाँको, चले जाओगे 2-4 हजार किलोमीटर, एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि लाल चुनरी है ना, सर्टिफिकेट मिल गया आपको।
सड़ा हुआ दिमाग। बड़े धार्मिक भी हैं आप, बड़े विद्वान भी हैं आप, कहां गई विद्वता आपकी, कहां गया आपका धर्म, प्रकृति का नियम क्या कहता है, विश्व की व्यवस्था क्या कहती है, थोड़ा समझने का प्रयास तो करो। हर जगह समझने का प्रयास करते हो, लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है, शास्त्रों की बात आ जाती है, तब आप कभी समझने का प्रयास नहीं करते। मेरा निवेदन यह है, प्रकृति का नियम, ये जो नियम है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, कुल्लहु अल्लाह, जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है, वो जर्रे जर्रे में जो खुदा है, कण कण में जो भगवान है, वो कौन सा भगवान है, कौन सा खुदा है, ये नियम। इस नियम को छोड़ करके ऐसा कोई भगवान नहीं है जो कण कण में व्याप्त हो। नियम प्रकृति का जो मैटर है, इसके छोटा सा छोटा अंश, चाहे परमाणु कह लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी कुछ कह लो, उसका प्रकृति नियम है। वैज्ञानिकों ने उस नियम को समझा और बड़े बड़े कमाल कर दिया वैज्ञानिकों ने। हम जितना नियम समझ सकते हैं उतना नियमों को समझे। ऋग्वेद में इसी नियम को रीत कहा गया है, और यही ऋग्वेद का जो रीत है वही आगे चल करके ईश्वर का रूप ले लिया है। आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे, अनेक जगह रीत की चर्चा आती है, और रीत के तीन अर्थ वेदों में बताए गए हैं। पहला अर्थ होता है यज्ञ के विधि विधान, क्योंकि वेदों में यज्ञों की बड़ी चर्चा, उसमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। वेदों के अधिकतम मंत्र यज्ञों के कर्मकांड को लेकर के ही है। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारम रत्न धात्मम, यहीं तो ऋग्वेद शुरू होता है, और ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का, और एक गायत्री मंत्र है ये भी। ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र है, उनमें से 2,000 से ज्यादा मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र उस मंत्र को कहा जाता है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही केवल गायत्री मंत्र नहीं है, ऐसे तो 2,000 गायत्री मंत्र है उसमें, 2,000 से ज्यादा। मूल बात मैं कह रहा था कि ऋग्वेद में यज्ञ की बड़ी चर्चा है, इसलिए रीत का पहला अर्थ दिया गया यज्ञ के विधि विधान, दूसरा अर्थ दिया गया सदाचार के नियम, और तीसरा अर्थ है प्रकृति के नियम। हम अपने सदाचार के नियम को समझे, पालन करें, और प्रकृति के नियम को समझकर पालन करें। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नाक रिगड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति का नियम क्या कह रहा है और सदाचार क्या कह रहा है, बस इसको समझ लें। फिर हर जगह आपके साथ सिंहासन तैयार रहेगा। और जो प्रकृति के नियमों को समझकर पालन नहीं करता, जो सदाचार के पद पर नहीं चलता, उसके लिए हर जगह जंजीर ही जंजीर है। साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, राजा हो रंग हो फकीर हो, सबको जाना है। लेकिन जाने के पहले किसने क्या किया, यह महत्वपूर्ण होता है कि कौन किसने कितनी लंबी जिंदगी जिया, लंबी जिंदगी पाई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जीवन को कैसे जिया। अब जैसा जीता है वैसे या तो सिंहासन बनता है या जंजीर बनती है। ये सिंहासन और जंजीर है क्या? पुराण की कहानियों में हम पढ़ते हैं कि अमुक व्यक्ति
बड़ा धार्मिक था, बड़ा भक्त था, बड़ी तपस्या कर रहा था। तपस्या पूरी हो गई, भगवान खुश हो गया और भगवान सिंह ऊपर आकाश से अपने धाम से सिंहासन लेकर के आया। उस तपस्वी भक्त को अपनी गोद पर सिंहासन बैठाया, अपने धाम में ले गया। ये कहानी है बातों को समझाने के लिए, लोगों को धर्म के मार्ग में प्रेरित करने के लिए। अमुक व्यक्ति बड़ा पापी था, बहुत दुष्ट था। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसके जीवात्मा को पकड़ कर के ले जाने के लिए यमराज ने दूध भेजे और यमराज के दूध मोटी मोटी जंजीरें लेकर के ले आ गए उस दुष्टात्मक जीव को पकड़ करके पकड़ने के लिए और जंजीर से कस करके घसीटते ले जाते हैं। इतनी अकल नहीं आई, जीव दिखाई जो नहीं पड़ता उसे जंजीर से जकड़ोगे कैसे? ये जंजीर क्या है? कुकर्मों के संस्कार। हम और आप जो कुछ कर रहे हैं, या तो सिंहासन बनाने का काम कर रहे हैं या जंजीर बनाने का काम कर रहे हैं। जीवन हम और आप सब जी रहे हैं, लेकिन जीवन को कैसा जी रहे हैं? कोई हमसे और आपसे पूछे कि जितना जीवन आपने जिया है और आपके जीवन जीने की जो शैली है, क्या आप बता सकते हैं कि आपने जीवन को अच्छे ढंग से जिया या बुरे ढंग से जिया? आपकी जीवन शैली गलत है या सही है? मैं समझता हूँ हर आदमी यही कहेगा, जितना जीवन मैंने जिया है, जिस ढंग से जिया है, अच्छा जिया है और सही ढंग से जिया है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये होगा, आपने भी अपने जीवन को सही ढंग से जिया और अच्छा जिया, इसकी कसौटी क्या है, क्या है इसकी पहचान, क्या किस आधार पर आप कह रहे हैं, किस आधार पर हम कह रहे हैं कि जीवन को मैंने अच्छे ढंग से जिया? आप कह सकते हैं देखो मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, मेरे पिता मेरे लिए एक फुट की झोपड़ी छोड़ कर गए थे और अपने बलबूते पर मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया दो चार तल्ले का। मेरे पिता मेरे लिए थोड़ी जमीन छोड़ कर गए थे, मेहनत करके मैंने जमीन काफी बढ़ा ली। मेरे पिता मेरे लिए एक छोटी दुकान छोड़ कर गए थे और मैंने अपने व्यापार भारत के अनेक शहरों में बढ़ा लिया। मेरे पिता मुझे पढ़ा नहीं पाए लेकिन मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया और बड़े बड़े पोस्ट पर आज मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। क्या ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है? बिल्कुल ही नहीं। पैसा तो आप झूठ बोल करके कमा सकते हो, बेईमानी करके, घूस लेकर के, चोरी करके, डाका करके, गबन करके, घोटाला करके आप पैसा कमा सकते हो, छलछम करके पैसा कमा सकते हो, यह तरीका नहीं है। दिन भर हम और आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। दिन भर लोगों से मिलने जुलने के पश्चात, बात व्यवहार करने के पश्चात, काम धाम करने के पश्चात, जब रात्रि में भोजन करने के पश्चात आप बिस्तर पर सोने के लिए गए, बत्ती बुझ गई, बिस्तर पर आप लेट गए, मन में इतना टेंशन है, इतनी उत्तेजना है, इतनी चिंता और भय है कि उस टेंशन और चिंता और उत्तेजना और भय के कारण नींद नहीं आ रही है, समझना आज मैंने जंजीर बनाने का काम किया है। आपको बिस्तर बताएगा आप। दिन भर लोगों से काम, लोगों से मिले जुले बात व्यवहार किए, काम धाम किए, रात्रि में खा पी करके जब बिस्तर पर शयन करने के लिए गए, मन एकदम प्रसन्न है, निश्चिंत है, निर्भय है, कोई टेंशन नहीं है, कोई खुराफात मन में नहीं है, लेटे दो चार मिनट में नींद आ गई, समझना आज आपने सिंहासन बनाने का काम किया है। ये पहचान है। मन का चिंतित रहना, भयभीत रहना, उद्वेगित रहना, हमेशा अशांत बने रहना, यही तो जंजीर है। अरे जंजीर आपने बनाई, हमने बनाई अपने लिए, कोई शैतान नहीं बनाता, कोई भगवान नहीं बनाता, हमारा ही अपना मन।
जब हमारा चिंतन नकारात्मक होता है, हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, हमारे विचार नकारात्मक होते हैं, तो हम अपने लिए जंजीर बनाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे लिए शैतान बन गया होता है। और जब हमारा चिंतन सकारात्मक है, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, हमारे विचार सकारात्मक है, हमारे कर्म सकारात्मक है, हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम है, दया क्षमा की भावना है, हमारा मन हमारे लिए भगवान बन गया। बाहर कहीं ना शैतान बैठा है ना भगवान बैठा है, हमारे मन की भावना जैसे होती है वैसे ही हमारे लिए सुख और दुख का निर्माण होता है। धम्मपदम तथागत बुद्ध की वाणी है, उनके वाणियों के में से सार निकाला गया है धम्मपदम के नाम से। उसका पहला अध्याय, पहला वग्ग यमक वग्ग है, उसके प्रारंभ के की दो गाथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है हमें अपने मन को समझने के लिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनोपुंगमा धम्मा मनोसिठा मनोमया मनसा तपुठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। मनसा च पसन्न न भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया वा अनपायने। तथागत बुद्ध कहते हैं, हम तथागत बुद्ध की धरती पर ही बैठकर विचार कर रहे हैं, बिहार उन्हीं की तो धरती है, और हो सकता है बिहार का नाम ही बौद्ध बिहारों के कारण पड़ गया होगा, पर इसका नाम बिहार कहाँ था? इतने बिहार बने कि बिहार प्रदेश ही बन गया आपका। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनोपुंगमा धम्मा मनोसिठा मनोमया मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलने वाला है, हर कर्म में मन आगे आगे चलता है और सारे कर्म मनोमय होता है। इतना बड़ा पंडाल लगा है, एकाएक किसी के मन में विचार आया, विचार के अंकुर आए, फिर उन्होंने किसी और से कहा, धीरे धीरे विचार बनते गए, कार्यक्रम तारीख ली गई, लोगों सहयोग लिया गया, ये तब ये पंडाल खड़ा हुआ है, अपने आप खड़ा हो गया है। प्रायः कहा जाता है अमुक आदमी चोर है और चोरी करते हुए पकड़ा गया है इसलिए चोर है। हकीकत यह होता है चोरी करने के बाद आदमी चोर नहीं बनता है, चोर बनने के पश्चात आदमी चोरी करता है। पहले आदमी चोर बना तब चोरी किया, हो सकता है जिंदगी भर चोरी करता रह गया और न पकाया, तब आप कहीं बड़ा ईमानदार आदमी, बड़ा तो धर्मपरायण आदमी, देखो मंदिर बना दिया, गरीबों की सेवा करता है, दान करता है, बड़े बड़े सत्संग आयोजन करता है और चोरी करता रहा क्योंकि पकड़ाया नहीं। आप चोर नहीं मानोगे उसे, लेकिन हकीकत यह है चोरी करने के बाद आदमी चोर नहीं बनता है, चोर बन करके चोरी करता है। जिसके मन में चोरी की भावना ही नहीं होगी, जिसके मन में चोरी का विकार ही नहीं होगा, जिसके मन में दूसरे धन का लोभ पैदा ही नहीं होगा, जो ये जो बिना मेहनत धनवान बनने के लिए बात सोचेगा ही नहीं, वो चोर कैसे बनेगा? पहले चोर देखता है अमुक आदमी क्या बड़ा मुनाफा हो रहा है, बड़ा पैसा है, फिर सोचता है वो पैसा मुझे कैसे मिले, फिर उसके घर के आसपास घूमता है, उस घर में कहाँ से घुसा जा सकता है, कहाँ से निकला जा सकता है, घर वाले कब खाते हैं, कब बाहर जाते हैं, कब सोते हैं, सारी योजना पहले बनाया, चोर बन गया। अब चोरी कर पाया ना कर पाया, लेकिन चोर तो बन ही गया है ना। ऐसे ही कोई साधु बनता है, एकाएक साधु थोड़े बनता है, घर में रहते होते विचार मंथन होता है, मन में भावना उड़ती है, अब भावना उड़ते होते जब मन मतता गया, मतता ब गया, घर छोड़कर साधु बन गया, घर में ही रह रहा है लेकिन घर में साधु बना हुआ है पहले। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, मनोपुंगमा धम्मा मनोसिठा मनोमया सारे कर्म, मन जो है पूर्वगामी आगे चलने वाला है, सारे कर्म मनोमय है, मन सारे धर्म होते, इसलिए होता क्या है, मनसा तब पद उठे न भासति वा करोति वा। जब हम मन में गलत भावना रखकर, दुष्ट भावना रखकर के बात करते हैं और काम करते हैं, तब हमारे पीछे
दुख उसी प्रकार चलता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। बैलगाड़ी जमाना खत्म हो रहा है, बैलगाड़ी में जुते हुए बैलों को गाड़ी का बोझा ढोना पड़ता है, उसके पैर के पीछे ही पहिया रहता, कभी पहिया बैल के पैर को रौंद भी देता है। तो जब हमारी भावना गलत होती है, हम गलत भावना से बात करते हैं, गलत भावना से कर्म करते हैं, तो दुख हमारे पीछे उसी प्रकार चलता है जैसे गाड़ी में जूते बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। लेकिन मनसा तब पसंद न भाषति वा करोति वा ततो नम सुख मन में छाया व अनपायनी। जब हम आदमी मन में अच्छी भावना रख करके बात करता है, अच्छी भावना रख करके कर्म करता है, तब उस आदमी के पीछे अनपायनी सुख, स्थिर सुख, शाश्वत सुख, कभी न घटने वाला सुख उसी प्रकार चलता है जैसे आदमी के पीछे आदमी की छाया चलती है। आप कहीं भी जाएं, आपकी छाया कभी आपका साथ छोड़ेगी नहीं, जहां रहेंगे आए आपकी छाया आपके साथ रहेगी। ऐसे ही मन के विचार पवित्र हैं, भावनाएं पवित्र है, चिंतन पवित्र है, दृष्टिकोण पवित्र है, शाश्वत सुख, स्थिर सुख, सच्चा सुख हर समय आपके पास रहेगा। यही तो सिंहासन है। और सिंहासन की बात करते हैं, और यदि भावना गलत है, विचार गलत है, कर्म गलत है, तो यही तो जंजीर है। ये बनाने वाले हम हैं। प्रेरणा समाज से मिलेगी, प्रेरणा संगत से मिलेगी, प्रेरणा सत्संग से मिलेगी। कौन सी प्रेरणा हम लेना चाहते हैं? अब तक यदि अपने लिए जंजीर बना चुके हैं तो अब उस जंजीर को काटने का काम करना होगा, सिंहासन बनाना होगा। इसलिए कम से कम अपने विचारों को शुद्ध रखने का काम करें, अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को शुद्ध रखने का काम करें। ये काम आपको ही करना होगा। आज का जमाना बहुत एडवांस हो चुका है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले जमाने में जब किसी को आंख में मोतियाबिंद हो जाता था तो उस ऑपरेशन करने में 6-7 दिन का समय लगता था। पहले भर्ती हो जाओ, फिर रहो, फिर आंख में हरी हरी पट्टी बांधी जाती थी, 3-4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना होता था। और आज 1 घंटे में सब ऑपरेशन किया, 1 घंटे में छुट्टी दे दिए। जमाना इतना एडवांस है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है आंखों का ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, याद रखना ऑपरेशन नजर का होता है, नजरिए का नहीं होता है। नजरिया कैसे बनाना है? चिंतन हमें और आपको करना होगा। चिंतन गलत है, नजरिया गलत हो जाएगा, जंजीर मंदी चली जाएगी। चिंतन सही है, नजरिया सही है, सिंहासन बंदा चला जाएगा। इसलिए अच्छा काम कर सको या मत कर सको, अच्छी विचार बनाना शुरू करो। हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन है, विकसित मन, मननात मनुष्य, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहा गया है। हम और आप हमेशा सोचते रहते हैं। कहीं भी जब हम गाढ़ी नींद लग जाती, जब हम साउंड स्लीप में पहुंच जाते, एकदम गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, तब हमारा मन सोचना बंद कर देता है, तभी नींद लगती है। ध्यान और नींद दोनों की प्रक्रिया एक जैसी होती है। जब मन शांत हो जाता पूरी तरह से तब ध्यान लगता है, और मन जब शांत हो जाता है तब गाढ़ी नींद लगती है। श्वास देखना ध्यान नहीं है, ज्योति देखना ध्यान नहीं है, नाद सुनना ध्यान नहीं है, ध्यान की शुरुआत है। एक कहना चाहिए क्रिया योग है, चाहे आप नाद सुनो, चाहे ज्योति सुन देखो, चाहे बिंदु देखो, चाहे सांस देखो, चाहे कुछ और करो, ये सब क्रिया योग है। वह क्रिया जो योग में सहायक होती है उसी क्रिया योग कहते हैं। लेकिन वास्तविक ध्यान है मन का पूरी तरह से शांत, निर्विचार हो जाना, एब्सेंस ऑफ थॉट्स,
वास्तविक ध्यान क्या है? एब्सेंस ऑफ थॉट्स, मन में कोई संकल्प कोई विचार ना होना, ये ध्यान है। और कोई विचार नहीं तो नींद है। मैं ये कह रहा था कि जब हम जब तक जागते तब तक सोचते रहते हैं, इसलिए अपने सोचने को पवित्र बनाएं। जब सोचे, जिसके लिए भी सोचे, आपका कोई दुश्मन भी है भयंकर से भयंकर, उसकी याद आ जाए तो सोचे उसका भला हो, उसका कल्याण हो जाए, वो सुख से जिए। आप अपने दुश्मन का भला सोचते हैं, उसका भला हो या ना हो, आपका भला तो हो जाएगा, हमारा भला तो हो ही जाएगा। और याद रखना, हम मनुष्य हैं, हम बुद्धिजीवी प्राणी ही हैं, अपने को हम मानते हैं और अपने को हम मनुष्य को शिरोमणि प्राणी कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार जब उदित होते हैं तो मनुष्य जीवन मिलता, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी पंक्ति सबको याद होगी। लेकिन बड़े सौभाग्य से यह मानव जीवन मिला हुआ है, इस मानव जीवन को पाकर के जो आदमी अच्छी बात नहीं सोच सकता, जिसके मन में हमेशा बेकार बात गलत बात सोच देती, जिसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते हैं, ईर्ष्या द्वेष के विचार चलते हैं, वासनात्मक विचार चलते हैं, उस आदमी से बड़ा अभागा दुनिया में और कोई नहीं है। जो आदमी अच्छी बात बोल नहीं सकता और अच्छी बात सोच नहीं सकता, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा दरिद्र मत बनिए। धन का दरिद्र दरिद्र नहीं है, छोटा मकान है वो दरिद्र नहीं है, थोड़ी पूंजी दरिद्र नहीं है। दरिद्र वह है जो अच्छा बोल नहीं सकता और अच्छा सुन नहीं और अच्छा सोच नहीं सकता, उसे बड़ा भागा और कौन होगा। अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा कर्म करना, ये सिंहासन बनाना है। गलत बोलना, गलत देखना, गलत सुनना और गलत सोचना, गलत करना, यही जंजीर बनाना है। बाजी आपके हाथ में है, बाजी हर आदमी के हाथ में है कि मुझे अपने लिए सिंहासन बनाना है या जंजीर बनाना है। बनाना तो होगा ही, बच नहीं सकते। अब सिंहासन पर यदि सिंहासन बनाएंगे, हंसते होते दुनिया से विदा हो जाएंगे, और जंजीर बना करके जिएंगे तब रोते रोते पछताते पछताते मरेंगे। रोते रोते जन्म लेना प्रकृति का नियम है, लेकिन रोते रोते मरना ये जिंदगी की हार है, क्योंकि सिंहासन बनाया गया, सिंहासन बनाने काम नहीं किया, जंजीर बनाया गया। रोते रोते जन्म लिए, हंसते हंसते यहाँ से विदा हो जाए, इसके लिए अच्छे कर्म, सेवा, भक्ति, प्रेम, दया, क्षमा के काम करें, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन करें और मन को निर्मल बना करके रखें। हर्ष में सिंहासन है, फिर तो जीवन की बाजी हमारी हो जाएगी, जीत की बाजी हो जाएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़ा एक बंधा जंजीर। सबको जाना है, या तो जंजीर से बनकर जाना है या सिंहासन में बैठकर जाना है। जंजीर से बनकर जाना जिंदगी की हार है, सिंहासन में बैठकर जाना जिंदगी की जीत है। इसलिए जंजीर न बने, सिंहासन बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सतगुरु।